के शिप्रा नदी तट स्थित गोनसा रोड पर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और आश्रम है, जहां पर भक्त श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भी यहां पर भक्त श्रद्धालु पहुंचे और गुरु की पूजा की और फिर यहां पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और यहाँ पर जहाँ भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की और गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के चरणों की पूजा अर्चना की परिवार के सदस्यों के साथ। बताइए, यह जो आश्रम है कहाँ पर है, क्या नाम से जाना जाता है और आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार किस प्रकार से मनाया गया? ये आश्रम जो है अपने को सोम तीर्थ जगदेश्वर महादेव मंदिर के सामने रंजी धनबान रोड में, और ये गुरु पूर्णिमा महाउत्सव आज चल रहा है। जिस तरह गुरु और शिष्य के आशीर्वाद के लिए आज वर्ष में एक दिन गुरु पूर्णिमा महाउत्सव के लिए शिष्य अपने गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पधारे। गुरु जी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली मानी जाती है उज्जैन शहर। उज्जैन शहर में किस प्रकार से अति के महत्व बढ़ जाता है गुरु पूर्णिमा का? भाई, क्या है कि इस तरह जो है जैन तीर्थ जो है सब तीर्थों से तल भर बड़ा है, इसी तरह और यहाँ 3.5 काल विराजमान होने के कारण इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ आने से ही आदमी के सारे पाप नष्ट होते हैं। आज कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर पहुँचे थे और क्या रहा? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, रोहतक और राजस्थान। कहाँ पर है गुरुजी आश्रम, कहाँ पर है ये आश्रम? रंजी धनबान रोड पे है, सोम तीर्थ के सामने। बताइए, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और यह आश्रम कौन सा है, कहाँ पर है और आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार कैसे मनाया गया? मैं लोकल कालीपुरा से, मैं पिछली बार भी आया था, शिव सेवाधाम आश्रम का नाम है और यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का सुबह से आज पूजन पाठ हुआ, गुरु का आशीर्वाद मिला और हमेशा से मैं यहाँ आता रहता हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आज यह किस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजन किए गए थे और क्या रहा था? यहाँ पे हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया और गुरु नाम भी दिए गए। पहले आप यहाँ पर आते रहते? हाँ जी, मैं हमेशा गुरुदेव से लगभग 4.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्या नाम है आश्रम का? शिव सेवा। अच्छा, कहाँ पर है भैया? उज्जैन सोमतीर्थ रंजीत हनुमान। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।